अस्सलाम वालेकुम। ज़बरदस्त सुजुकी लियाना हमारे सामने है और 2007 का मॉडल है। गाड़ी जो है आउटसाइड से टचअप है, इंटीरियर से पूरी गाड़ी है, चेन वन है। बाकी पूरी गाड़ी आप भाई को जो है वीडियो में दिखा के उसके बाद ओनर के साथ मिलकर प्राइस वगैरह की गाड़ी की वो भी आप भाई के साथ शेयर कर देंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं टायर्स की तरफ। अलर्म लग रहे हैं सुजुकी के, तकरीबन टायर्स की कंडीशन की बात करें तो 60-70% के आसपास फूट हैं। बाकी लाइट्स देख लें इस गाड़ी की, बंपर की फिटिंग चेक कर लें, उनको साफ मिल रही है हमें देखने को। और यहाँ पे ग्रिल साइड भी गाड़ी को चेक कर सकते हैं। और ये इस गाड़ी की सेकंड लाइट है, सेकंड लाइट भी बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। विंड स्क्रीन की बात करें तो विंड स्क्रीन भी इस गाड़ी की माशा से बिल्कुल साफ मिल रही है हमें देखने को। इस स्क्रेचेस वगैरह नहीं, टूटी हुई क्रेक वगैरह नहीं है। सुजुकी लियाना के जितने भी लोग रिक्वेस्ट करते हैं सुजुकी लियाना, हम लोग वेट कर रहे हैं। अगर आप लोग गाड़ी चाहिए तो आप लोग परचेस कर सकते हैं। ओनर का नंबर पूरी डिटेल के साथ आप भाई के साथ जो है शेयर करा देंगे। ये इस गाड़ी की बैक साइड है, बैक साइड पे आप भाई जो है गाड़ी को चेक कर सकते हैं। बैक साइड की लाइट्स थोड़ा सा करीब करके दिखा देता हूँ। ये इस गाड़ी की लाइट्स हैं, बम्पर की फिटिंग भी साथ साथ देख लें, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। ये इस गाड़ी की जो है बैक स्क्रीन है, यहाँ से भी बिल्कुल साफ़ मिलेगी गाड़ी देखने को। सिल्वर कलर में गाड़ी ये मौजूद है। गाड़ी के सिर्फ 2-3 पीस टचअप हैं, ये फिर ओनर के साथ मिलकर पूछ लेंगे कौन से पीस इस गाड़ी के टचअप हैं। और पार्टियाँ वगैरह भी आ रही हैं। बाकी बढ़ता हूँ थोड़ा सा, मैं इंटीरियर भी शो करा देता हूँ आप भाई को। ये इस गाड़ी की साइड लुक है, पैसेंजर साइड। बाकी बढ़ते हैं तो इंटीरियर की तरफ। तो ये इस गाड़ी का इंटीरियर है और डोर्स की सीट्स आप लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में मौजूद है। नो डाउट इंटीरियर इस गाड़ी का ज़बरदस्त कंडीशन में मौजूद है। 2007 की सुजुकी लियाना है। बढ़ते हैं फ्रंट डोर की तरफ। ये इस गाड़ी का फ्रंट डोर है और फ्रंट डोर की सीट्स देख लें, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में। और ये इस गाड़ी का जो है डैशबोर्ड, अक्सर लियाना का आप भाई को जो है डैशबोर्ड जो है क्रैक मिलेगा, लियाना का डैशबोर्ड जो है बिल्कुल साफ है। सीट्स देख लें साथ साथ, बिल्कुल 0 मीटर कंडीशन में गाड़ी खड़ी हुई है। गाड़ी आउटसाइड से टचअप है, इंटीरियर से पूरी गाड़ी जेन्युइन है ये। और डोर्स जो है चारों इस गाड़ी के सेमी कंडीशन में मौजूद हैं। और ये चेक कर सकते हैं, पावर स्टीयरिंग है जी, पावर विंडो है और मिरर भी इसके रोटेट होते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी है। और इस गाड़ी का जो है इंजन शायद चेंज है, अगर बुक पे अपडेट नहीं होगा तो रसीद वगैरह अवेलेबल होगी। बाकी बढ़ते हैं थोड़ा सा इंजन रूम की तरफ। तो ये इस गाड़ी का इंजन रूम, और इंजन रूम से माशाल्लाह बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। ये इस गाड़ी के बोनट साइड की जो सील्स हैं बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद हैं। और एक नज़र फिर देख, 2007 की सुजुकी लियाना है। बाकी ये 2012 की GLI खड़ी हुई है। तो इस गाड़ी की कंडीशन की बात करें तो आउटसाइड से गाड़ी शावर मिलेगी, इंटीरियर से पूरी गाड़ी जेन्युइन है। और लाइट्स वगैरह चेक कर लें इस गाड़ी की, तो दोनों लाइट्स इस गाड़ी के हमें बिल्कुल साफ मिल रही है देखने को, और लाइट्स में कहीं से क्रैक नहीं है। 2012 का ये मॉडल है सुजुकी टोयोटा करोला GLI 1.3। और ये इस गाड़ी की बैक साइड है, बैक साइड पे लाइट्स वगैरह देख लें, और क्लोज़ करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं। बैक कैमरे का ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है इस गाड़ी में। दोनों लाइट्स इस गाड़ी की बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद हैं। चारों टायर इस गाड़ी की सेमी कंडीशन में मौजूद हैं और नॉन स्टेपिंग वाले टायर इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हैं। ये चेक कर सकते हैं डोर्स की सील, चारों डोर्स की सील इसी तरह ही सेम ही देखने को मिलेंगी। और एंड्रॉइड पैनल वगैरह इंस्टॉल्ड है, डैशबोर्ड बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है, सीट्स पे शॉपर वगैरह लगी हुई हैं। और पढ़ते हैं थोड़ा सा ड्राइवर साइड की तरफ, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और फुल गाड़ी ये बाहर से शावर है, इंटीरियर से पूरी गाड़ी है इससे जेन्युइन है। और पार्टी वगैरह चेक कर रही है इस गाड़ी को, साथ साथ मैं भी आप आएंगे जो गाड़ी ये चेक करा दूंगा।
और डिटेल वगैरह क्या है वो भी आप हमारे साथ शेयर कर देंगे। तो ये डोर्स वगैरह दिखा देता हूँ, चारों डोर्स वैसे सेम ही कंडीशन में देखने को मिलेंगे। सीट्स पे आप लोग चेक कर सकते हैं, ओरिजिनल सीट्स हैं इस गाड़ी की। और सीट्स पे जो अभी तक प्लास्टिक वगैरह, दोबारा मेरे ख्याल में प्लास्टिक वगैरह लगी हुई है सीट्स पे। और ये डैशबोर्ड वगैरह चेक कर सकते हैं, गाड़ी का भी कुछ साफ सुथरी क्लीन कंडीशन में मौजूद है। 2012 की टोयोटा क्रोला GLI 1.3। बाकी पूछ लेंगे इस गाड़ी का इंजन अपना है या चेंज है, लेकिन बाहर से गाड़ी की कंडीशन जो ओनर बता रहे थे कि बाहर से गाड़ी ये शावर्ड है, बाकी इंटीरियर से पूरी गाड़ी ये चेन बने। ओके, तो अभी पार्टी वगैरह वैसे खड़ी हुई है गाड़ी की। 1.3 1300 cc इंजन में है ये, चेक कर सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है इंजन रूम इस गाड़ी का। बोनट की सील्स भी देख लें साथ साथ। अगर थोड़ा सा ये कस्टमर गाड़ी से हट जाएँ तो मैं आप पाएंगे जो है इस गाड़ी की डिटेल पूरी दे देता हूँ, उसके बाद लियाना की भी पूरी डिटेल ले लेते हैं। लियाना भी 2007 का मॉडल है, ये 2012 का मॉडल है और GLI है 1.3 के इंजन में। कहीं तो ये चेक कर सकते हैं बैटरी वगैरह इस गाड़ी की जो है न्यू इंस्टॉल है। ओके, तो बढ़ते हैं अभी ओनर की तरफ और पूछते हैं इस गाड़ी की प्राइस क्या है और कितने में देना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। GLI 2012 का मॉडल, बाहर से गाड़ी शावर है ये जी, इंटीरियर से पूरी जेन्युइन है सर जी। अपने इंजन में सर गाड़ी, अपने इंजन में क्या डिमांड है सर इस गाड़ी की? 22.5 लाख। 22.5 लाख रुपये पेपर में कंप्लीट है सर, हर चीज़ क्लियर है। 22.5 लाख रुपये 12 मॉडल है GLI इकोटेक, पेपर में कंप्लीट है सर, सीपीएससी टैक्स वगैरह सब क्लियर है। ठीक है सर जी, पेट्रोल एवरेज क्या रहती है पर लीटर के हिसाब से अगर घर के लिए गाड़ी परचेज करना चाहे तो? ये 1300 cc है, 1300 cc है, तकरीबन 15-16 देती है, 15-16 के हिसाब से देती है पर लीटर के हिसाब से। ठीक है सर जी, अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। 0310226983 5। नाम और लोकेशन? हसनैन नूर। हसन भाई, ये जो 2007 की है लियाना खड़ी हुई है, इसकी क्या डिमांड है वैसे? इसकी 10,80,000 रुपये डिमांड है। ठीक है सर जी, इसकी कंडीशन आउटसाइड की सर? पार्टियाँ थोड़ा सा फ्री हो जाएं यार, उसके बाद मैं ना पूरी डिटेल लेता हूँ आराम से, क्योंकि पार्टियाँ आती हैं, गाड़ियाँ अच्छी हों तो पार्टियाँ भी आती हैं यहाँ पे। इंजन चेंज है, कौन सा इंजन? चेंज तो LXi 1080 की इसकी डिमांड कर रहे हैं और इस गाड़ी का इंजन चेंज नहीं, बुक पे मेरे ख्याल से नहीं था। इंजन भी इस गाड़ी का जो है चेंज है और बुक पे अपडेट नहीं है। रसीद वगैरह जो है शॉप की वो आप भाई को जो है मिल जाएगी। पेपर में कंप्लीट है सर गाड़ी? है पेपर में कोई काम सस्पेंशन इंजन वाइज गाड़ी में? एसी वगैरह वर्किंग है सर गाड़ी AC में? इसकी क्या इंजन कौन सी, कितने इंजन लगा हुआ है इसका? वही 1300 cc लगा हुआ जो अपना। एवरेज वाइज क्या रहती है गाड़ी? एवरेज अच्छा होती है इसका, 12-13 के हिसाब से देती है पर लीटर के हिसाब से। ठीक है सर जी, इसमें भी वही नंबर ऐड कर दूं GLI वाला जो आपने दिया पहले बताया? ठीक है सर, लोकेशन सेम ही है इसकी? सेम। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास कॉल आए तो फिर अपने हिसाब से अपडेट कर लीजिएगा, डिटेल पूरी शेयर कर दी है। थैंक यू। ठीक है, ये तो दोनों गाड़ियाँ मैंने कवर कर दी हैं, डिटेल वगैरह शेयर कर दी है। अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आप लोग परचेस कर सकते हैं, गाड़ी माशाल्लाह से ये भी अच्छी है। ओके, तो एक ज़बरदस्त गाड़ी हमारे सामने है, 2017 की टोयोटा क्रोला GLI है और इस गाड़ी के दो पीस टचअप हैं, फाइंडर टचअप हैं इस गाड़ी के सिर्फ। इसके अलावा पूरी गाड़ी ये जेन्युइन मिलेगी। जितने भी भाई GLI XLI की रिक्वेस्ट कर रहे थे भाई, GLI ऐड कर रहे हैं हम लोग बिल्कुल साफ स्क्रीन ईट एंड क्लीन कंडीशन में। और ये इस गाड़ी का लुक है, बाकी मैं आप लोगों को जो पूरी गाड़ी है वाइट एंगल में कवर करके दिखा देता हूँ। जगह का इशू है थोड़ा सा, इस तरह मुझे कवर करना पड़ रहा है। बाकी बढ़ते हैं इस गाड़ी के टायर्स की तरफ। टोयोटा के अलार्म हमें देखने को मिल रहे हैं इस गाड़ी में, तकरीबन कह सकते हैं 60% के आसपास या 70% के आसपास फ्रंट वाले टायर गुड हैं और बैक टायर तकरीबन 80% के आसपास गुड कह सकते हैं। ये इस गाड़ी की फ्रंट लाइट्स हैं, वाइट फ्रंट लाइट्स वगैरह भी बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में देखने को मिल रही है। ग्रिल साइड भी देख सकते हैं इस गाड़ी की, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंडीशन में मौजूद है। और विंड स्क्रीन की बात करें तो विंड स्क्रीन भी इस गाड़ी की बिल्कुल साफ है, थोड़ा सा मैं करीब करके दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग। और बोनट से भी आप लोग गाड़ी को चेक कर लें, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। और जितने भी लोग GLI XLI की रिक्वेस्ट करते हैं, मैं जैसे जैसे मिलती हैं हम लोग गाड़ियाँ उसमें ऐड करते रहते हैं। और गाड़ी माशाल्लाह से अच्छी कंडीशन में, कोई स्क्रैचेस वगैरह बॉडी में नहीं मिलेंगे, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है।
और ये इस गाड़ी का ड्राइवर साइड वाला लुक यहाँ से देख लें, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में है गाड़ी। ये इस गाड़ी की बैक साइड है, बैक साइड की लाइट्स वगैरह देख लें, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। GLI 1.3 मैनुअल ट्रांसमिशन में ये गाड़ी, 2017 का ये मॉडल है। बैक कैमरे का ऑप्शन भी हमें देखने को मिल रहा है, दोनों लाइट्स इस गाड़ी की बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। बैक स्क्रीन भी आप लोग गाड़ी पर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ़ है। और इस गाड़ी के टायर्स आप लोग चेक कर सकते हैं, फ्रंट वाले टायर से जो है बैक वाले टायर थोड़ा सा बेहतर कंडीशन में मौजूद है। बाकी बढ़ते हैं थोड़ा सा इंटीरियर की तरफ, इंटीरियर भी इस गाड़ी का जो है पूरा चेक कराए थे हम भाइयों को। तो ये इस गाड़ी का जो है डोर्स हैं, डोर्स की सील्स वगैरह देख लें, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। लेदर कवर वगैरह सीट्स पे देखने को मिल रहे हैं हमें इस गाड़ी में, और सीट्स भी बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन है। इंटीरियर से मशहूर से ज़बरदस्त कंडीशन में मौजूद है गाड़ी, पूरा इंटीरियर इस गाड़ी का जेन्युइन है। गाड़ी में दो पीसेस गाड़ी के टचअप हैं, और पावर विंडो है जी, पावर मिरर है, पावर स्टेयरिंग है, और मैनुअल ट्रांसमिशन में LCD पैनल जो है एंड्रॉयड वाला वो लगा हुआ है इस गाड़ी में। बाकी बढ़ते हैं इंजन रूम की तरफ, और आप भाइयों के साथ जो है रूम शेयर करते हैं इस गाड़ी का। तकरीबन ये गाड़ी कितना चली हुई ये भी दिखा दें, 82,000 किलोमीटर गाड़ी टोटल चली हुई है। बाकी तो बढ़ते हैं इंजन रूम की तरफ, ये इस गाड़ी का इंजन रूम, 1.3 का इंजन आप भाइयों को देखने को मिलेगा इस गाड़ी में, और जमसेट की मुखियाँ वगैरह चेक कर सकते हैं, जो कि ब्रांड न्यू कंडीशन में मौजूद हैं, और ड्राइव बैटरी का ऑप्शन भी हमें देखने को मिल जाएगा इस गाड़ी में। बाकी इसकी बोनट की सील्स भी आप लोग साथ साथ देख लें, बिल्कुल जेन्युइन हालत में मौजूद है ओरिजिनल में। ठीक है सर, नीचे कर दिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपके सर? सर इस गाड़ी की ज़रा डिटेल बताएं, गाड़ी की कंडीशन क्या है? और सर जी सर, पूरी गाड़ी हमने चेक कर ली माशाल्लाह से। ठीक है, ये वाला बोनट का जो हिस्सा है ये टचअप में है, बाकी इसके अलावा ये फेंडर है, इसके अलावा एक ही ये फेंडर इस गाड़ी का टचअप है। ठीक है जी, तो बाकी इसको ना देखिए, इसका जो कवर है वो अंदर रखा हुआ है, ये लगा सकते हैं आप निकाल के। सर जी इसकी डिमांड क्या रखी है आपने? चलें जी 34 की वैसे डिमांड है, अगर हमारी वीडियोज़ के थ्रू कोई भी बंदा को कैट कर सकता है तो कमेंट्स के बारे में ज़रा बता दीजिए। क्लियर है सर, CPLC टैक्स वगैरह सब क्लियर है, नंबर प्लेट दोनों जेन्युइन है सर, कोई काम सस्पेंशन इंजन वाइज गाड़ी में? ठीक है सर, AC वगैरह परफेक्ट वर्किंग है सर। कोई अगर घर के लिए गाड़ी परचेस करना चाहता है आपके आपके इस्तेमाल में, तो इसकी एवरेज बता देंगे पर लीटर के हिसाब से क्या रहती है? 13 पर लीटर के हिसाब से। ठीक है, 82,000 किलोमीटर टोटल गाड़ी मेरे ख्याल में चली। ठीक है सर जी, अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा, 0317-27-55-400। लोकेशन सर कहाँ की है? पावर हाउस। ठीक है, अरबिन विला वहीं की तरफ लोकेशन है। ठीक है, एक बार रिपीट कर दीजिए, 34। ठीक है, इसमें कुछ गुंजाइश हो जाएगी, मतलब कोई सीरियस बायर होगा तो इसमें कमी बेची हो जाएगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, अगर आपके पास कॉल आए तो फिर अपने हिसाब से गाइड कर लीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, एक ज़बरदस्त गाड़ी हमारे सामने है, और गाड़ी जिस कंडीशन में खड़ी है आप लोग समझ रहे होंगे 17-18 का मॉडल है, भाई नहीं है, मॉडल 2009 का है। गाड़ी की कंडीशन आउटसाइड की टचअप है सिर्फ, VXR के वेरिएंट में है, मतलब कि ये AC वाली गाड़ी है। गाड़ी पूरी आप भाइयों को मैं वीडियो में दिखा देता हूँ, उसके बाद ओनर के साथ मिलकर प्राइस क्या गाड़ी की वो भी आप भाइयों के साथ शेयर कर दूँगा। तो सबसे पहले बढ़ते हैं इस गाड़ी के टायर्स की तरफ, टायर्स की बात करें तकरीबन इस गाड़ी के टायर्स से 60-70% तक गुड हैं, नॉर्मल स्टेपिंग वाले टायर्स गाड़ी के अंदर लगे हुए हैं। और विंडस्क्रीन स्क्रीन की बात करें तो विंडस्क्रीन स्क्रीन भी इस गाड़ी की मशल से बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। और लाइट्स की बात करें तो लाइट्स भी हमें ज़बरदस्त कंडीशन में देखने को मिल रहे हैं इस गाड़ी में, ग्रिल से भी गाड़ी बिल्कुल साफ़ है, दोनों लाइट्स भी गाड़ी बिल्कुल साफ मिलेंगी, और टायर चारों सेम ही कंडीशन में देखने को मिलेंगे। बैक साइड वाला टायर थोड़ा सा बेहतर है आगे वाले से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि टू व्हील जो है ड्राइव गाड़ी होती है, मतलब कि इसकी जो है बैक साइड के टायर सिर्फ चलते हैं, आगे वाले टायर जो पावर में होते हैं, इस वजह से आगे वाले टायर जल्दी घिस जाते हैं, और बैक वाले टायर जो है थोड़ा सा अच्छी कंडीशन में मौजूद होते हैं। थोड़ा सा जगह का इशू है, वाइट एंगल कर ले। ओके, तो ये इस गाड़ी के साइड्स हैं, साइड्स आप लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है, स्क्रैचेस वगैरह नहीं है बॉडी में। और ये इस गाड़ी की बैक साइड है, बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पे भी जो स्क्रीन है वो हमें बिल्कुल साफ मिली देखने को, लाइट्स मशल से बिल्कुल साफ़ हैं दोनों इस गाड़ी की, और बम्पर से आप लोग चेक कर सकते हैं गाड़ी को, बम्पर की फिटिंग भी देख लें आप लोग,
बम्पर की फिटिंग भी माशाल्लाह से बिल्कुल साफ मिली देखने को। और इंटीरियर इस गाड़ी का नो डाउट बड़ा ज़बरदस्त कंडीशन में मौजूद है, वो भी मैं आप भाई के साथ शेयर कर दूँगा। और इंटीरियर की कंडीशन है वो भी आप भाई के साथ जो है दिखा दूँगा। पढ़ते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। और तो ये इस गाड़ी के डोर्स हैं और डोर्स की सील्स आप लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन हालत में मौजूद हैं। और ये इस गाड़ी के जो हैं बैक सीट्स बिल्कुल जेन्युइन हालत में मौजूद हैं। मॉडल 2009 का है, VXR के वेरिएंट में। और ये इस गाड़ी का डैशबोर्ड है, सीट्स देख लें, सीट्स भी माशाल्लाह से बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है, चेक कर सकते हैं आप लोग। बाकी बढ़ते हैं थोड़ा सा ड्राइवर साइड वाली तरफ से, वहाँ से मैं आप लोगों को गाड़ी ये विज़िट करा देता हूँ। शायद इस गाड़ी का बंद है, एक मिनट पार्टियाँ आई हुई हैं, थोड़ा सा वो चेक कर लें गाड़ी को, तो उसके बाद मैं इंजन रूम चेक करा दूँगा, थोड़ा सा ड्राइवर साइड वाली जगह है वो भी आप भाई के साथ शेयर कर दूँगा। ओके, तो बढ़ते हैं ड्राइवर साइड वाली तरफ, वहाँ से भी आप लोग गाड़ी ये चेक करा देते हैं। यहाँ से चेक कर सकते हैं डोर्स की सील्स बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में मौजूद है, माशा से गाड़ी संभाली भी लग रही है। और 58,000 किलोमीटर गाड़ी ये टोटल शो हो रही है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप लोग। और ये इस गाड़ी का इंजन रूम है, नो डाउट इंजन रूम से भी ब्रांड न्यू कंडीशन में गाड़ी खड़ी हुई है। और कुछ होती है संभालने के पैसे होते हैं भाई, इस गाड़ी के जो है इस गाड़ी को संभालने के पैसे ही होंगे अभी जो भी सुनोगे आप लोग ना, तो गाड़ी संभाली हुई है। बाकी यहाँ पे चेक कर सकते हैं बोनट की सील्स माशा से बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। और गाड़ी नो डॉट एक ज़बरदस्त कंडीशन में है, VXR का वेरियंट है, AC वाली गाड़ी है। थोड़ा सा डिगी वगैरह दिखा देते हैं इस गाड़ी की। और इसमें जो है CNG कंपनी फिटेड लगा हुआ है। और ये इंजन सादे इंजन में, जो O2 के इंजन में नहीं है। बाकी डिग्री से भी देख लें गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी, पाना चेक वगैरह मेरे ख्याल में मौजूद है इस गाड़ी में, स्पेयर व्हील वगैरह भी रखा हुआ है इस गाड़ी में। और बढ़ते हैं ओनर की तरफ, पूछते हैं इस गाड़ी की प्राइस क्या है और कितने में देना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या डिमांड रखी है सर इस गाड़ी की आपने? 9.25 लाख रुपये भाई। 9.25 लाख, 2009 का मॉडल है सर। बाहर से गाड़ी टचअप है सर? 2 से 3 पीस, 2-3 पीस इस गाड़ी के टचअप है। पेपर में सब क्लियर है सर? गाड़ी ओनर गाड़ी है। VXR का वेरिएंट है? VXR AC वाली है सर, AC ऑन है इस गाड़ी का? AC ऑन। ठीक है सर जी, क्या इसकी एवरेज रहती है पायलट के हिसाब से अगर घर के लिए गाड़ी परचेस करना चाहे तो? यार पेट्रोल एवरेज पूछ रहे हैं? जी जी, पेट्रोल एवरेज तकरीबन 12 से 13 का, 12 से 13 के आसपास देती है गाड़ी। मशल से बिल्कुल साफ सुथरी, कहीं खड़ी हुई थी गाड़ी आप लेके आ गए? अच्छा, मॉडल 2009 का भाई, ऐसे लगता है 2018-19 की गाड़ी है। माशाल्लाह से गाड़ी बिल्कुल साफ, पेपर में कंप्लीट है सर गाड़ी? फर्स्ट ओनर गाड़ी। कोई काम सस्पेंशन इंजन वाइज गाड़ी में? ठीक है सर जी, अपना नंबर शेयर कर दीजिए। 0323 जी सर, 333 जी सर, 9033। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद उमैर नाम। कहाँ की लोकेशन उमेर भाई? 11B की लोकेशन। ठीक है उमेर भाई, बहुत शुक्रिया, अगर आपके पास कॉल आए तो फिर अपने हिसाब से गाइड कर लीजिएगा। होगी तो वीडियो थी यहीं तक, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोग पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा पसंद है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें यार, वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे। अगर आप लोग भी किसी गाड़ी का रिव्यू चाहते हैं तो उस गाड़ी का नाम जो है कमेंट्स में लिख दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में वो भी ऐड कर देंगे। बाकी अगर आप लोग किसी गाड़ी के बारे में पूछना चाहते हैं, प्राइस के बारे में पूछना चाहते हैं, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम गाड़ी ले रहे हैं, आप लोगों को नहीं पता गाड़ियों के बारे में, तो आप लोग मुझसे एडवाइस लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, आप लोगों को मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि बेहतर गाइड करूँ। तो आज की वीडियो में इतनी गाड़ियाँ थी भाई, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में अच्छी अच्छी गाड़ियाँ कवर करें, मुनासिब प्राइस वाली गाड़ियाँ कवर करें, आपके कमेंट्स के हिसाब से वो गाड़ियाँ कवर। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे, तब तक अपने बेहतर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।